भोवा के कोटली मुगला गांव में एक युवक ने आधी रात को हुड़दंग मचा गांव वालों की नींद उड़ा दी। उक्त युवक ने पहले एक गांववासी के साथ मारपीट की, उसके बाद एक लड़की को तेजधार हथियार दिखा मारने की धमकी दी। युवक यहीं नहीं रुका, एक पेड़ पर चढ़कर साथ लगते मकान में घुस गया व चोरी करने की कोशिश की। घर में मौजूद युवतियों के शोर मचाने पर हुड़दंगी युवक भाग गया। उक्त युवक की पहचान राकेश कुमार वासी कोटली फार्म के रूप में बताई जा रही है। समूह गांववासियों ने दहशत फैलाने, मारपीट व चोरी की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए युवक के खिलाफ थाना कानवा में शिकायत दर्ज कराई है। बतार कोटली मुगला, ए पे बंदा इतों चढ़िया छरी तो सीधा ही कोठे जाके ते पौड़ियां रस्ते उतरिया, ते ओ फिर ना अंदर चल गया, अंदर बह गया। अंदर बह के ते मैं आया पेशाब, ते मैं बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी, मैं चल मोटरसाइकिल कोई बाहर चलाया करता है, ते मैं उस के देख के ते लम्मे पै गया। इन्ने तक नू ना अंदर बढ़ के ते दूजे अंदर चल गया, बत्ती बुझी दी सी ते मैनू पता लगा नहीं, ते मैं अंदर रजाई ले ली, रजाई लैके ते सौ गया। ते मैं जिले वो नठिया ना, ते मैं बड़ी कोशिश की नठ के, ते उन्हें जखनू गेट खोलते टाइम लग गया मेरा, ते टाइम लगते लगते फिर मैं गेट खोले, तो उन्हें जखनू इधर गया बंदा, ते इधर बहनों बहनों रोक दे, वह बिस्तरा भी पेरा उ मंग साड़ी ये भाई उन्हें फड़ना चाहिए, कल होर भी वारदात कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। वो साढ़े तो पहले हुई थी। अच्छा, हाँ जी, तो साढ़े तो डेढ़ दो बजे की तरीबन गल है। नुकसान बचाई है। नाम दीपिका, पिंड कोटली तो बोल दी पी। मतलब कि साढ़े घर एक आदमी मतलब कि आया है रात को कोठे तो, मतलब कि दरख्त रस्ते चढ़िया है, मतलब कि डेढ़ बजे टाइम है, मतलब कि उन्हें साढ़े घर आके मतलब कि हुड पाई है, कैप लगाई है, मुँह तो रुमाल बन्ने हैं, उन्हें साड़ी मतलब कि धोन लागे चाकू किया है, उन्हें धमकी दी है कि जे तुम बोल ले तो मैं थोड़े काचू मार देना है। तो आई मतलब कि लड़की बांह फड़ी है, जिस तरह मैं रोला पाया मतलब कि घर दिन बुलाया उस तरह नट गया कुड़ी की बांह छड़ के, अं भी मगर गए हैं, तो मतलब कि सड़क टप गया ही है। हाँ जी, मेरा नाम कामना है, मैं पिंड कोटली का, ते असी गली च जा गली च आया था ते मैं कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ मैं अपनी मम्मी कह दी कि राकेश भाजी ना उधर जाके लड़े गए, तो अंकल कह दे कि तू अड्डा टप गया सी, नहीं ऑटो अग लगना, फूके तो गल करी अगर ड्राट लै गया गंदियाँ गल कर, मैं मेरी बांह फट के तो मरोड़े गया ही। अं पुलिस अगर कंप्लेट करती है, इसकी मंग कार्रवाई की जाए। पंकज कुमार मेरा नाम, पेटली कोटली पिंड। अं आटे बैठे दी, तो उन्हें बहर आया आटो उतरिया, मेरे चपेड़ मारती उन्हें, तो बाद थवाई हो पी, बाद चो मारिया साढ़े सारे चपेड़ा चपूड़ा मारिया। दे राकेश कुमार का नाँ है, कोटली फार्म का। हाँ, फिर उस तो बाद उधर एक साइड से गया, उनके नाल भी कुड़ी नाल की, फिर एक पैसे पूहे चुके उन्हें, पुलिस को नाले कार्रवाई की मांग की जाती है। मेरी कुड़ी नू ड्राट लैके वढ़न आन पिया, साढ़े मुड़े पै के सड़ा दिता, गंदियां गालां कढ़े करदा सी ओह, ते उस तो बाद असीं सवेरे थाने गए हैं, उत्थे रिपोर्ट लिखा के आए हैं, सवेर दे 10 बजे असीं रिपोर्ट लिखा के आए हैं, हजे तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए कभी। वो सरेआम कॉलेज के घूमे करता, उत्थे फुटबॉल खेडे करता, उत्थे कार्रवाई की जाए, चाहे लत्तां तोड़ियां चाहे उन्हूं उम्र कैद की सज़ा हो जाए, बस साढ़े पिंड च दिखाई नहीं देना चाहिए। उहदे नाल बंदे साढ़े पिंड के भी रले दे ने, वो शराब तक सब नशे बेचदा, सारा पिंड नशे चलाते। मैं कोटली पिंड का रहने वाला, यह जो मेरे पिंड घटना हुई है, मैं अपने पिंड के नौजवानों भी कहना चाहना भी यहोजे बंद यारी दोस्ती पिंड तो बार बार ही रखिया करो, और जो ये घटना है बहुत मंग भद्दी हुई है, तो मैं पुलिस प्रशासन अगर मांग करदा कि यदि कड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाए, तो जो इन्हों इंसाफ मिल सके। गल इन मुंडे ना थोड़ा झगड़ा हो गया, ये चपेड़ा चपूड़ा मारिया कुड़ी न बांह फट के, उन्होंने दत्तर वगैरह दसाया, तो इधर कुछ घटना हुई भी चोरी वगैरह की है। हाँ, कंप्लेन सवेर की देती है, पर हाले तक कोई भी कार्रवाई की नहीं हुई।
ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੂਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਸ, ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, ਵੋ ਵੀ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ? ਕਮ ਟੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ।